नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का अपना YouTube चैनल एनालिसिस क्लासेस में। दोस्तों आज इस क्लास में सेमेस्टर 4 इकोनॉमिक्स ऑनर्स कोर पेपर 8 का मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर आप लोग को बताने वाले जो आपके एग्जाम के विषय इंपॉर्टेंट है। तो आज का टॉपिक है मैट्रिक्स प्लस डिटरमिनेंट। यानी इस वीडियो में आपको मैट्रिक्स के बारे में बताने वाले हैं कि मैट्रिक्स क्या है और इसके क्या प्रकार, इसके कितने टाइप्स होते हैं और डिटरमिनेंट की क्या प्रॉपर्टीज होते हैं। ये प्रश्न जो है शॉर्ट टाइप के प्रश्न में पूछा जा सकता है और लॉन्ग टाइप के आपका जो प्रश्न पूछा जाएगा उसी में से इसको जोड़कर पूछा जा सकता है। तो चलिए समझते हैं, सबसे पहले हम जानेंगे मैट्रिक्स क्या है। तो मैट्रिक्स जो होता है एन अरेंजमेंट ऑफ एन एन नंबर, इन एम जो होता है रो होता है एंड एन जो होता है कॉलम होता है, इसी को मैट्रिक्स कहा जाता है। यानी कि मैट्रिक्स जो होता है एक अंकों की सजावट होती है और जिसमें एम होता है और एम इंटू एन एक नंबर, जहाँ एम जो होता है रो को बताता है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं एग्जाम्पल, और एन जो है कॉलम को बताता है, इसे मैट्रिक्स कहा जाता है। इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इसे कैपिटल लेटर से डिनोटेड किया जाता है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ए से। भाई इसके एग्जाम्पल को समझते हैं। ये है आपका मैट्रिक्स का सिंबल, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ आपको एम इंटू एन दिख रहा होगा जो मैट्रिक्स का ऑर्डर बताता है। मैट्रिक्स एम जो है आपका रो कॉलम के बारे में बताता है और एन जो है कॉलम के बारे में बताता है। तो एम को रो को एम से डिनोटेड किया जाता है और कॉलम को एन से डिनोटेड किया जाता है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एक मैट्रिक्स है, कैपिटल लेटर से डिनोटेड किया गया है, आप किसी भी कैपिटल लेटर से डिनोटेड कर सकते हैं। ठीक, ये है आपका मैट्रिक्स का सिंबल और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एलिमेंट, ये जितने भी इसके अंदर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 दिख रहे हैं, ये सभी मैट्रिक्स के एलिमेंट है। तो आपसे पूछा जाएगा कि आप रो कितना है और कॉलम कितना है, तो आप यहाँ पर रो इसे कहा जा सकता है 1, 2, 3, आपका 3 रो है इसलिए हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और कॉलम आपका यहाँ पे देखेंगे 1, 2, 3, 4, तो आपका यहाँ पे कॉलम 4 है। तो इस प्रकार m इंटू रो m इंटू एन के रूप में लिखा जाता है, या इसे p इंटू q के रूप में भी लिख सकते हैं, जहाँ m बताता है रो और q और n बताता है कॉलम का ऑर्डर। तो इस प्रकार ये मैट्रिक्स का ऑर्डर 3:4 के रूप में है। तो चलिए अब समझते हैं कुछ इसके एग्जाम्पल, जिनमें से एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स कुछ एग्जांपल है इसी से, जिनमें से आप देख सकते हैं यहाँ पे मैट्रिक्स ए दिया हुआ है और मैट्रिक्स बी दिया हुआ है। इसमें फाइंड करना ए प्लस बी, इसको आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि इसमें होता है a11 का एलिमेंट और दूसरे एलिमेंट के a11 को इसको ऐड करेंगे और 4+3, 6+1, 7+0, इस प्रकार आप यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम समझते हैं मैट्रिक्स के कुछ टाइप्स, क्योंकि आपसे पूछा जाएगा कि मैट्रिक्स क्या और इसके कितने प्रकार होते हैं। तो पहला आपका मैट्रिक्स का टाइप है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स किसे कहा जाता है, इस चीज़ को समझते हैं। अ मैट्रिक्स इन विच एनी वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स, यानी कि ऐसे मैट्रिक्स आप यू जिसे हिंदी में कहा जाता है, और जिसमें रो की संख्या जिसमें एक हो। रो मतलब कहा जाता है, रो को आप हिंदी में कह सकते हैं पंक्ति, ठीक है। तो एन ए मैट्रिक्स इन विच एनी वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे रो आपका एक है, यहाँ भी आपका रो एक है, अगर आपसे कॉलम पूछा जाए तो 1, 2, 3 है यहाँ पे। तो चलिए आगे, दूसरा आपका है कॉलम मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का दूसरा टाइप कॉलम मैट्रिक्स, ऐसे मैट्रिक्स जिसमें कॉलम की संख्या यानी कस्तम की संख्या एक हो, उसे कॉलम मैट्रिक्स कहा जाता है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं मैट्रिक्स इन विच ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। चलिए एग्जांपल यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, जिनमें से देख सकते हैं यहाँ पे कॉलम की संख्या एक है, इसमें भी कॉलम एक, इसलिए इसे जो है कॉलम मैट्रिक्स कहा जाता है। तो आइए समझते हैं हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्या होता है। तीसरा आपका प्रकार होता है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। तो ए मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रो इज लेस देन नंबर ऑफ कॉलम, यानी कि नंबर ऑफ रो की जो संख्या है लेस देन होनी चाहिए कॉलम से, यानी कि आप यहाँ पे देख सकते हैं रो यहाँ पे आपका 2 है और कॉलम यहाँ पे 4 है, तो इसे हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहा जाता है, ठीक है। इसमें देख सकते हैं रो की संख्या कम है और यहाँ पे कॉलम की संख्या अधिक है, और उसी का अपोजिट इसमें लेस देन, तो इसमें ग्रेटर देन हो जाएगा वर्टिकल मैट्रिक्स में। या मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ कॉलम इज लेस, यानी कि कॉलम की संख्या लेस होनी चाहिए, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आपका 2 कॉलम है, और अगर नंबर ऑफ लेस देन नंबर ऑफ रो यानी कि रो से कम होनी चाहिए, तो यहाँ पे रो देख सकते हैं यहाँ पे 4 है। तो इस प्रकार यहाँ पे देख पा रहे हैं 4:2 के ऑर्डर पे है, इसलिए इसे वर्टिकल मैट्रिक्स कहा जाता है। नेक्स्ट आपका प्रकार स्क्वायर मैट्रिक्स, जो इंपॉर्टेंट है यहाँ।
स्क्वायर मैट्रिक्स उसे कहा जाता है जिसमें रो और कॉलम की संख्या बराबर हो। मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो। यहाँ पे देख सकते हैं आपका रो 1, 2, 3, यहाँ पे रो 3 है और कॉलम भी आपका 3 है, यानी कि रो आपका जो ऑर्डर मैट्रिक्स होगा 3x3 के फॉर्म में है। यहाँ भी दूसरा एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हैं रो और कॉलम की संख्या बराबर है, 2x2 के ऑर्डर में है। नेक्स्ट आपका डायगोनल मैट्रिक्स, ये स्क्वायर मैट्रिक्स हुज लीडिंग डायगोनल एलिमेंट 1 नॉन जीरो एंड रिमेनिंग एलिमेंट आर जीरो इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये कोना कोना है जिसमें इसे कोना ही कह सकते हैं, आपको ध्यान रहेगा। स्क्वायर मैट्रिक्स हुज लीडिंग डायगोनल एलिमेंट आर नॉन जीरो एंड रिमेनिंग पार्ट आप देख सकते हैं एलिमेंट आर जीरो, रिमेनिंग पार्ट है आपका इधर, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये रिमेनिंग पार्ट है इधर, और ये जो बीच में है ये डायगोनल मैट्रिक्स में कोई भी नंबर होनी चाहिए, इसे ही डायगोनल मैट्रिक्स कहा जाता है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ से डायगोनल पार्ट एलिमेंट है 4, 5, 6 है, ठीक है, और लीडिंग डायगोनल जो है यहाँ पे 0, 0 इधर है। नेक्स्ट आपका स्केलर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स हुज लीडिंग डायगोनल एलिमेंट आर सेम नॉन जीरो नंबर आर रिमेनिंग एलिमेंट आर जीरो इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। तो आप ये स्केलर मैट्रिक्स का एग्जांपल जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी कि इसे यूनिट मैट्रिक्स भी कहा जाता है। या स्क्वायर मैट्रिक्स हुज लीडिंग डायगोनल एलिमेंट यार यूनिटी, यानी कि एक ऐसा एलिमेंट या ऐसे कह सकते हैं एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें जो डायगोनल का जिसमें एलिमेंट होता है नंबर की संख्या समान हो। हिंदी में या स्क्वायर मैट्रिक्स हुज लीडिंग डायगोनल एलिमेंट आर यूनिटी, यूनिट यानी कि 1, रिमेनिंग एलिमेंट आर 0 और बाकी पार्ट का भाग जो है 0, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, और इसके जो डायगोनल में है इसमें यूनिट 1 है, नंबर की संख्या 1, 1 है एलिमेंट, इसलिए इसे यूनिट मैट्रिक्स कहा जाता है। या आप इसी प्रकार भी कह सकते हैं या एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जिसे सभी विकर्ण के जो एलिमेंट होते हैं इसके इकाई यानी कि यूनिट 1 और n एलिमेंट 0 है, इसे ही यूनिट मैट्रिक्स कहा जाता है, ठीक है। तो चलिए सब समझते हैं ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या है। अ मैट्रिक्स ऑब्टेंड ऑफ इंटरचेंजिंग रो इनटू कॉलम इज कॉल्ड ट्रांसपोज मैट्रिक्स, यानी भी किसी भी मैट्रिक्स का जो एलिमेंट है आप रो को देख सकते हैं 4, 5, 6 अगर इसको आप बदल देते रो को कॉलम और कॉलम को रो में बदल देते तो इसे ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहा जाता है। अ मैट्रिक्स ऑब्टेंड बाय इंटरचेंजिंग रो इनटू कॉलम, यानी कि रो को आप कॉलम में चेंज कर देते हैं तो इस प्रकार ट्रांसपोज मैट्रिक्स प्राप्त हो जाता है, जिसका आप एग्जांपल देख सकते हैं। तो ये रहा आपका सभी मैट्रिक्स के कुछ प्रकार, जो आपको इतना लिखना शॉर्ट टाइप के प्रश्न में या आपके लॉन्ग टाइप के प्रश्न में जोड़कर प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए अब आगे समझते हैं डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट क्या होता है और डिटरमिनेंट के प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो डिटरमिनेंट एंड अरेंजमेंट ऑफ नंबर, अंकों की एक सजावट है जिसमें रो एंड कॉलम व्हिच हैव ए सर्टेन वैल्यू इज कॉल्ड डिटरमिनेंट। इट इज डिनोटेड बाय, इसे आप डेल्टा से डिनोटेड कर सकते हैं, डी से डिनोटेड कर सकते हैं, या इस प्रकार आप डिनोटेड कर सकते हैं। यानी कि डिटरमिनेंट जो होता है एक अंकों की सजावट होती है, इसमें क्या होता है रो और कॉलम की संख्या जो होती है सर्वथा समान होती है, और इसलिए इसे डिटरमिनेंट कहा जाता है। और डिटरमिनेंट को जो है डेल्टा से डिनोटेड किया जाता है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, और कुछ एग्जाम्पल है। तो डिटरमिनेंट सॉल्व करने का तरीका होता है आप इस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया जाता है डिटरमिनेंट निकालने के लिए, ठीक है। तो चलिए अब समझते हैं डिटरमिनेंट की कुछ प्रॉपर्टीज होती है जिनमें से इंपॉर्टेंट है। पहला है वन इंटरचेंजिंग रो इनटू कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट डज नॉट चेंज, यानी कि आप डिटरमिनेंट की रो और कॉलम को आपस में बदल देने से, रो को कॉलम और कॉलम को रो में बदल देने से डिटरमिनेंट के वैल्यू पर कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो वैल्यू सेम आएगा, ठीक है। दूसरा आपका है वन इंटरचेंजिंग एनी टू रो और एनी टू कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट डज नॉट चेंज बट इट साइंस चेंज। अगर आप किसी भी डिटरमिनेंट के यानी कि डिटरमिनेंट के किसी दो रो अथवा किसी दो कॉलम को आपस में बदल दिया जाए तो डिटरमिनेंट का चिन्ह जो होता है बदल जाता है, बल्कि आपका जो अंकात्मक मान जो होता है नंबर वैल्यू उसमें कोई साइन ही बदलता है बस, और कुछ नहीं बदलता है। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 2, 3 है और यहाँ 5, 4 इसको रो को कॉलम में बदल दिया गया, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे 2, 3 है तो इसे 3, 2 कर दिया गया, और यहाँ 4, 5 तो इसे 5, 4 एक दूसरे में इंटरचेंजिंग किया गया रो और कॉलम में, ठीक है। तो इसके देख सकते हैं यहाँ पे साइन का सिर्फ वैल्यू बदल जाएगा, ठीक। नेक्स्ट आपका ऑल नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है तीसरा पॉइंट, ऑल एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम आर जीरो,
देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज जीरो, यानी कि किसी भी डिटर्मिनेंट के एलिमेंट का वैल्यू रो हो अथवा कॉलम, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर रो है और यहाँ पर कॉलम में वैल्यू का एलिमेंट तीन जो है जीरो हो, तो उसका जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू हो जाता है जीरो, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। यानी कि किसी डिटर्मिनेंट में यदि किसी रो अथवा कॉलम में सभी अंक शून्य हो तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू शून्य होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपका, इफ़ एनी टू रो और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिटिकल देन द वैल्यू डिटर्मिनेंट इज जीरो, यानी कि डिटर्मिनेंट में यदि दो रो अथवा दो कॉलम के सभी अंक समान हो तो डिटर्मिनेंट का क्या मान होता है, शून्य होता है। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ का जो रो का वैल्यू यहाँ तीन दो एक, कॉलम की जो एलिमेंट है और सी वन और यहाँ पे सी टू है, देख सकते हैं यहाँ दोनों का मान एलिमेंट बराबर, इसलिए इसका वैल्यू जीरो हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं सी वन का एलिमेंट और यहाँ पर सी थ्री का, सी वन और C3 थ्री यहाँ पर बराबर है, इसलिए आपका यहाँ जो वैल्यू जीरो हो जाएगा डिटर्मिनेंट का वैल्यू, ठीक है। C1 वन इक्वल टू सी थ्री यहाँ पर है, ठीक। नेक्स्ट आपका प्रॉपर्टीज है, इफ वी मल्टीप्लाई द डिटर्मिनेंट बाय एनी कांस्टेंट और स्केलर देन एनी वन रो और कॉलम इज मल्टीप्लाइड बाय डेट कांस्टेंट। अगर आप किसी भी डिटर्मिनेंट के एलिमेंट से किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका इस रूप में प्राप्त हो जाता है, जैसे कि आप लोग यहां पे देख सकते हैं यहां के रूप में है, यहां के को मल्टीप्लाई किया गया, यहाँ शायद मिस्टेक है कुछ, तो यहाँ पर क्या होगा के डिटर्मिनेंट 4, 2, 3, 5, तो ये सभी एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपका सिक्स लास्ट पॉइंट है कि इफ एनी रो और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज एन आइडेंटिकल और सब्ट्रैक्शन फ्रॉम देन डिटर्मिनेंट कैन बी एक्सप्रेस एज देन फॉर्म, यानी कि डिटर्मिनेंट के किसी रो अथवा कॉलम के सभी अंकों को दो या अथवा उससे अधिक भागों में विभाजित किया जाता है तो इस प्रकार प्राप्त होता है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग ऐड करने से या सब्ट्रैक्शन से, हमने यहाँ एडिशन से एग्जांपल लिया, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं 4+1 है एलिमेंट, यहाँ 3 है, 3+2 यहाँ 4, इसको आप अलग अलग करके लिख सकते हैं एडिशन के रूप में, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं 4, 3, 3, 2 और यहाँ पे 1, 2 जो भाग इसको अलग किया गया, तो आप इस रूप में डिटर्मिनेंट को लिख सकते हैं, वैल्यू पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये रहा आपका डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी, जो आपके एग्जाम के विषय इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट टाइप के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो थैंक यू गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। थैंक यू, धन्यवाद।